इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे, डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। मुझे याद है कि जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और कानपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत ही साधारण व्यक्ति थे और ज़मीनी चीज़ों को पहचानना और समझना, और कई बार ऐसी बातें जो बिल्कुल ज़मीनी हैं वो अपने टैलेंट के सहारे लोगों तक पहुंचा देते थे। हमें दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यश भारती से सम्मानित रहे, ऐसे लोग कभी कभी हमारे बीच में आते हैं। समाजवादी पार्टी कल सर सदन में टिकी रही कई घंटों तक। देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होनी चाहिए, ये प्राथमिकता का विषय इसलिए है क्योंकि जान से खिलवाड़ होती है। किसी भी मेडिकल निगलिजेंस से, गलत दवा देने से, समय पे इलाज ना मिलने से लोगों की जानें जा रही हैं और सरकार को होश ही नहीं है। सरकार को जो काम करने चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है। मेडिकल कॉलेजेस जो मानक है उसके तहत डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्निकल स्टाफ हो, बजट की जो आवश्यकता है वो मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य की जो 108 102 जो व्यवस्था बनाई गई थी वो ध्वस्त कर दी। जगह जगह लोग पैसा मांग रहे हैं, जगह जगह बैठाने और उतारने के लिए बहाना के डीजल नहीं है। जो पर्चा 1 रुपए का नेताजी ने कभी किया था वो पर्चा कितना महंगा कर दिया। क्या पर्चा का कीमत बढ़ाने से, 100 रुपए करने से क्या सुविधाएं अस्पतालों की बेहतर हो गई? कभी ये छापा मार डिप्टी सीएम, इन्होंने कभी महसूस किया कि डॉक्टर्स की ज़रूरत क्या है? डॉक्टर्स बजट। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे दुख जताते हुए राजू श्रीवास्तव के निधन पर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।